सांग के अंदर जो कि अलका बुआणी खेड़ा के अंदर आता है, तो यहाँ पर कुछ बुजुर्गगण मिले हैं, उनसे राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। हाँ जी, तो आगे मतलब इलेक्शन होने हैं अभी, हाँ तो जी। मतलब कौन सी पार्टी के ज्यादा चांसेस है? अब सांस का बेरा कौन लेगा, हम देवांगे इसके मायावती के वोट। मायावती के? हाँ। अच्छा, मतलब क्या कुछ कहना है, क्या उपलब्धियाँ हैं मतलब उस पार्टी की, बसपा यानी की? बसपा की वही वह मतलब गरीबा का कमावा है, बात करो। अच्छा, और तो कोई करदा है को नहीं। अच्छा, मतलब क्या कुछ किया है, मतलब अभी तक क्या पॉलिसी है मतलब उसके लिए, कैसे कर रहे हैं मतलब गरीबों के? फिर गरीबा का हक में बोल रहे हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। क्या कुछ योजनाएं हैं जो मतलब निर्धारित करके रखी हुई है, मतलब गवर्नमेंट आने के बाद में ये स्टार्ट करेंगे कुछ और? अब तो किमिन किमिन अच्छा है करेगी गरीब मानसा खातिर, मतलब एजेंडा कुछ तो बना के रखा है। एजेंडा तो वो उसने बनाएगी, जिद बनाओगी एजेंडा पहले के करेगी एजेंडा बनाएंगे। ओके, तो मतलब अभी तक वो बने ही नहीं, मतलब पहले मतलब अंदर जाके देखा तो नहीं जा सकता, मतलब कि आपने बोला कि वो गरीबों के हक में बोलती है, तो फिर आप ये भी नहीं बता पा रहे कि मतलब कैसे बोल रही, क्या काम करेगी गरीबों के लिए? गरीबों की मेरी मदद करेगी, वो गलत तो करे को नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? बनवारी लाल। बनवारी लाल, तो मतलब आगे कौन सी पार्टी के ज्यादा चांस? पार्टी इससे कैसे, कौन सी के? बीजेपी के। बीजेपी के, तो बीजेपी की मतलब क्या खास बात है? खास बात तो यह है, जो काम इन सरकार नहीं करे न, वो काम यह सरकार करे से। अच्छा, किस प्रकार से? बस अच्छी नीति तक के कुछ काम करवाया, मतलब जिसके आधार पापा बीजेपी ने वोट देवा। काम तो सारे कराए से, मतलब एक दो काम, छोटा मोटा काम आलिया, छोटा आदमी की मदद। अच्छा। जो सन इससे न करी से, किसी ने जो सुन गरीब आदमी की तो कोई सुनाई नहीं हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक। आज यो अपने हर लफ्ज तक जो सुन गरीब की मदद पा रहा से, और ये यो नोट भी लिख के जा से, अभी जो सुन मैं पूरे करूंगा। अच्छा, जो इन सरकार ने 60 साल में नहीं कराया, वो इसने 4 साल में जो से ना बिल्कुल सुधार कराया। बिल्कुल बिल्कुल, और जितने भी ये फकीर थे इनकी सारे इसने सुविधा इसने। अच्छा, तो मतलब आदमी था वो भीतर करिया है। तो मतलब यहाँ पे अभी आपके जो मतलब आसपास में गांव में मतलब विकास कार्य हुए हैं? हाँ, वॉइस। अच्छा अच्छा, वॉइस। तो मतलब गलियां वगैरह का जो काम? हाँ, गलियां का भी काम करिया से, एक मेरी गली छोड़ के ना बाकी काम बहुत हुए। अच्छा अच्छा, मतलब आपके यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, कौन सी पार्टी से हैं अभी? ये इस तरह से बीजेपी से। बीजेपी, तो मतलब उन्होंने कुछ काम वगैरह करवाया होगा यहाँ पे? हाँ, करवाया। कैसे आदमी है? हाँ, ठीक से। अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका क्या कहना है? मैं तो बाहर का हूँ। बाहर के हो? हाँ। कोई बात नहीं, फिर भी बाहर के हो, मतलब कौन सी पार्टी आ सकती है आगे हरियाणा में? कांग्रेस। कांग्रेस, मतलब ऐसी कांग्रेस की क्या उपलब्धियाँ हैं जिसके तौर पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब आगे आएगी? वो ऐसा है ना, ये झूठ से बोल रहे। कौन से? ये बीजेपी। क्या मतलब, कैसे, किस प्रकार से, कौन सी झूठ? कोई भी अलाउंस करें हो, पूरा तो होता नहीं कोई भी। अच्छा जी, इस वजह से। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसी कोई घोषणा की हो जो पूरी ना हुई हो? वो अरे गांव में है तो नहीं, नहीं ये तो है, मतलब कि मतलब कि आप ये बोल रहे हैं झूठ बोलते हैं, मतलब ऐसी कौन सी घोषणा है जो मतलब की जो पूरी ना की हो, उसके तौर पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि झूठ बोलते हैं? जो मिलना चाहिए ना इनको, पंचायत को अधिकारों नहीं मिल रहे ना। अच्छा अच्छा, इस वजह से। तो मतलब अंकल जी ने बोला हमारे यहाँ पर सभी विकास कार्य हो रहे हैं पंचायती रूप से, मतलब हो रहे होंगे। अच्छा अच्छा, आपका कौन सा गाँव है? बड़ सपुर है। कौन सा हल्का में आता है? नारनो हल्का में, कैप्टन अभिमन्यु। ओके जी, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। चलो, हाँ भाई, कुछ बोलना है? तो नमस्कार, धन्यवाद। तो ये अभी चांग गांव था, हल्का बवाणी खेड़ा, तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग थे तो उनकी राय ली, तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट जो भी आपकी राय है कमेंट नीचे कर सकते हैं। तो धन्यवाद।